हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है करवा चौथ और हैप्पी करवा चौथ। फ्रेंड्स, एक्चुअली आज करवा चौथ है तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर भी रह के ब्लॉग बनाया जाए। और आज वैसे भी मम्मी का 34वां करवा चौथ का फास्ट है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ब्लॉग करवा चौथ के ऊपर ही बनाया जाए। और ये हमारी माता जी हैं, अभी तैयारी में लगी हुई हैं करवा चौथ की। तो अभी करवा चौथ की तैयारी चल रही है, पूजा पूजा दिन की पूजा, फिर बाद में सूरज को जल चढ़ाया जाएगा। तो आई होप सब आप लोग सब ठीक होंगे और आप सब लोगों को भी करवा चौथ की लख लख बधाइयां। खैर, और रही मेरी बात तो अपना तो कोई है नहीं फास्ट लेने वाला, तो देखते हैं कौन आता है अगले साल, देखते हैं। बट हैप्पी करवा चौथ आप सभी को, और बने रहना इस वीडियो में आखिर तक। और आज पूरे दिन भर की जो भी दिनचर्या होगी वो आपको दिखाई जाएगी इस ब्लॉग में, करवा चौथ में क्या होता है हमारे। तो गाइस, फाइनली अब सूरज देवता को जल चढ़ाते हुए, सूरज देवता भी जरा लुक्का छुपी कर रहे हैं बादलों में। आज दिल्ली का मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है। अब शाम को देखते हैं चांद कैसे निकलेगा। तो गाइस, फाइनली सूरज देवता फिर छुप गए हैं बादलों के अंदर। चलो देखते हैं अब शाम को क्या होता है। माता जी ने जल चढ़ा दिया है सूरज देवता को, बादल भी बहुत गड़गड़ गड़गड़ कर रहे हैं। ये लोटे के अंदर से मम्मी कुछ निकालते हुए चन चावल के दाने। तो गाइस, फाइनली अब मम्मी ने थाली तैयार कर ली है आरती की, और जो पापा की आरती की जाएगी। तो काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है तो दिया बुझने का डर है। और गाइस, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आतिशबाजी हो रही है हमारे यहाँ पे एरिया में, कितना अच्छा लग रहा है आप देखेंगे तो। ये इसलिए हो रही है, ये इसलिए नहीं हो रही कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, क्योंकि आज मैच भी है इंडिया पाकिस्तान का, तो इसलिए हो रही है कि चाँद निकल गया है कहीं, लोगों को न्यूज़ में देखा है कहाँ देखा है। फिलहाल अभी तो चाँद कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं चाँद निकल गया है क्योंकि बादल भी हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है। तो फाइनली गाइस, चांद को पानी चढ़ाया जा रहा है जल। चांद का पता नहीं चांद कहाँ पे है भाई साहब, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बादल बहुत हो रहे हैं। मम्मी की आंखें से चमक रही है शेर की तरह। हवा इतनी ठंडी चल रही है, ठंड लग रही है अब तो। शेर की आंखें। हाँ, पानी तो लाओ, पानी पिलाओ, पैसे वैसे लाए बाबा, नहीं लाए रखो ना। तो गाइस, फाइनली अभी बर्थ खोलने जा रही है मम्मी। मैं दिया वाली साइड से करो ना, हलवे की तरफ से कर रहे हो। फाल्ट किसका है? पापा का फाल्ट। पापा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस मैगी और थोड़ा सा कढ़ाई पनीर खाया था और लच्छा परांठा के साथ।
लो ना अब तुम इतना खाओ भाई तू खाना लो ना भाई कितना माल रखा है दिखा दे माल छुपा लिया मम्मी ने आशीर्वाद देंगे पापा चलो भाई पैर छुओ ये आशीर्वाद दिया सदा स्वागत रहो दूधो नहाओ पूतो पलो क्या क्या होता ये दिया मैं ऐसे चलता है तो फाइनली अब चांद निकल गया है तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई न्यू ब्लॉग करवा चौथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जय उत्तराखंड जय देवभूमि